नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। स्पेशली हम लोग जो है 66वां बीपीएससी को लेके चर्चा करेंगे। कुछ ऐसी भ्रांतियां मार्केट में फैली हुई है जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो है परेशान है, और सबसे हम कॉल नहीं कर सकते, सबसे बातें नहीं कर सकते क्योंकि पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए मैंने सोचा एक वीडियो बना के आपको सच क्या है उस सच से अवगत करवा दे, और स्पेशली 66 के लिए किस तरीके से अभी के बाद, आज के बाद कैसा स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि हम आसानी से सक्सेस कर सके, इसी सब चीजों पे, इन्हीं सब मुद्दे पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपसे एक बात बोलना चाहता हूं कि कभी भी इधर उधर की भ्रांतियों में फंसने की जरूरत नहीं है। हमेशा आप किसी को भी फॉलो करते हैं, मैं जरूरी नहीं कहता हूं कि मुझे ही कर, कहीं भी फॉलो करते हैं तो उन पे बिलीव कीजिए। जो भी टीचर है, जो भी यूट्यूबर पे आप है तो उन पे बिलीव करने की कोशिश कीजिए, लेकिन इधर उधर फंसने की कोशिश नहीं कीजिए। आज के डेट में मार्केट में एक चर्चा है कि 66 में सिलेबस चेंज होने वाला है। आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, सारे लोग सुन रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हां, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये तो बात की बात है, लेकिन ऐसा कहीं भी किसी भी तरीके से आयोग ने कुछ भी नहीं बताया है। बस हम किस लिए बताते हैं या कोई यूट्यूबर क्यों बता रहा है वो तो उसका अपना है, उस पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप अगर हमसे जुड़े हुए हैं, इनक्रेडिबल परिवार के हिस्सा हैं, लेकिन आप हमसे बात नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश से, तो आपको यकीन के साथ में दिलवा सकूं कि आप जैसे तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में धार देते रहिए। अवांछित तत्व से, इधर उधर की न्यूज से, बकवास न्यूज से कभी भी कोलैबोरेशन मत कीजिए अपनी लाइफ को। कभी भी उसे टच करने की कोशिश नहीं कीजिए, कभी भी उसको सच मानने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि किसी भी तरीके का कोई बदलाव कम से कम 66 तक नहीं है। 66 के बाद क्या होगा वो तो मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन 66 तक जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं अपनी पढ़ाई में उसी धार देते रहिए, इधर उधर की बातों से दूर रहिए। बाकी अगर अभी भी आपको बिलीव नहीं हो रहा तो जिसने भी जो बताया आप उसकी फॉलो कर सकते हैं, आप पूरी तरीके से आजाद हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल से आप जुड़े हुए हैं तो प्लीज ऐसी चीजों से, ऐसे समाचार से, ऐसे न्यूज से आप दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि सक्सेस इंपॉर्टेंट है। आपको पता नहीं है कि हमने ये न्यूज क्यों फैलाया, इसके पीछे का मकसद आपकी औकात के बाहर है समझना, और अगर समझ भी लोगे तो समझ नहीं सकते उतना जितना हमने करके बनाया, मैंने अभी भी बता चुका हूं। इसलिए ऐसे न्यूज से हमेशा दूर रखिए, किसी भी तरीके का कोई चेंजिंग का चांस नहीं है, क्योंकि आयोग ने अभी कुछ भी नहीं कहा। हाँ, आयोग अगर किसी तरीके का नोटिफिकेशन निकालता है कि हाँ चेंज होगा, तब तो हो ही जाएगा। अगर मान लो हो गया, सपोज करो, मैं मानता हूं कि ठीक है, अगर हो गया तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, हो जाए, वो मेरे लिए थोड़ी है, पूरे लोगों के लिए है। एक दूसरी बात है, अगर एक्स्ट्रा करेगा तो क्या करेगा, एक्स्ट्रा सीसेटी तो लगाएगा, और क्या कर सकता है, जीएस वाला पेपर रहेगा, सीसेट रहेगा, और सीसेट को क्वालिफाइंग कर देगा, और क्या करेगा, और क्वालिफाई में कितना लाना है, 33% मार्क्स लाना है, वो तो ऐसे भी ले आइएगा, किस बात का डर है, सोचिए ना, एक मिनट सोच तो सकते हैं ना। और ऐसे होने वाला नहीं है, अगर होगा तो यही होगा, उसके बाद जाके मेंस में 4 पेपर आएगा, जैसे यूपीएससी के थ्रू आता है, यूपीएससी में होता वैसे होगा, तो मेंस की तो दूर की कहानी है, उसको तो छोड़ के रखिए। अगर उसमें 4 पेपर भी होगा तो क्या उसमें हिस्ट्री नहीं है, क्या उसमें ज्योग्राफी नहीं है, क्या उसमें पॉलिटी नहीं है, क्या उसमें साइंस नहीं है, क्या उसमें करंट अफेयर नहीं है, क्या है, बस पार्ट बाय पार्ट बटा हुआ, क्या दिक्कत है, बदलने दो ना। किस बात का हल्ला है, किस बात का सोचना है, किस बात का टेंशन है, सोचो तो, एक मिनट सोच के तो देखो। इसलिए जैसे चल रहे हो बस अपनी धार को देते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जीत तुम्हारे पास में आएगी। कभी भी इधर उधर के न्यूज से फंसने की कोई जरूरत नहीं है, जब भी हमारे पास आएगा न्यूज हम जरूर आपको बताएंगे। ये तो थी थोड़ी सी भ्रांतियां मार्केट में फैली हुई है, मैंने उसको समाप्त कर दिया। अब भी अगर दिमाग में किसी भी तरीके से है कि नहीं सुजीत सर वो सही बोले होंगे, वो ऐसे बता रहा है तो ऐसे ही सही होगा, तो ठीक है, सही है तो सही मानो, फिर फंसो, फिर मरो, फिर फैल करो, उसमें मैं क्या कर सकता हूं, वो तो आपकी प्रॉब्लम है, खैर। लेकिन जो लोग मान गए वो लोग तैयारी को धार दीजिए और अपनी सक्सेस को सियोर कीजिए, और ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है कि आप डिजर्व करते हैं कि आपको सक्सेस मिले, और 2020 में मिले, और ये अपना डिजर्व करते हैं आप। अब बात आती है कि सर 66 को लेके बहुत सारा चर्चा होते रहता है, क्या 66 का एग्जाम का क्या कहानी है, इसके बारे में कुछ बताइए 66 के बारे में। तो देखिए 66 तो कंफर्म है कि सितंबर तक तो संभव ही नहीं है, मान के चलिए बिल्कुल भी नहीं है।
सितंबर तक तो बिहार के किसी भी एग्जाम में संभव नहीं है कि जैसा कंडीशन है उसी अनुसार से कर रहा हूं, अपना एक्स्ट्रा दिमाग कुछ भी नहीं लगा रहा हूं। जो कंडीशन बता रहा बिहार का सिचुएशन, कोरोना का इफेक्ट जिस तरीके से दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा, अलग बात है मीडिया उसको बाहर ना निकालता है, वो तो खैर अपनी प्रॉब्लम है, छोड़ दीजिए, लेकिन सच है कि रात दिन बढ़ते जा रहा है। ना तो डॉक्टर है, ना तो सेंटर है, ना तो किट है, तो पता भी नहीं चल पाता है कि किनको कोरोना हुआ भी है या नहीं हुआ। ये बात तो सच है और ये बात आप भी जानते हैं। तो ऐसे कंडीशन में 66 की कहानी, तो 66 को मान के चलिए कि अब जो है नवंबर में चुनाव होने वाला है, नवंबर के बाद ही मान के चलिए या तो दिसंबर में होगा या फिर जनवरी में होगा, इससे पहले संभव नहीं है, नहीं इससे पहले संभव, कोई सवाल ही नहीं उठता कि इससे पहले ले ले। तो इतना दिन का क्या इंतजार? हाँ इंतजार करना होगा, और इंतजार किस बात की है, कम से कम इतना तो कंफर्म है 66 होगा, ये तो कंफर्म है ना। तो इसके लिए आपको करने के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, शायद आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक सेकंड, यहां पे आपको करना क्या है, कि अगर ऐसी कंडीशन है तो सिर्फ आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये गलत है, ये गलत है, आप गलत कर रहे हैं। जब ऐसा कंडीशन हमारे पास में आ गया सिचुएशन कि अब जो है ये एग्जाम जो है दिसंबर जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अपने साथ कहीं ना कहीं धोखेबाजी हो रही है। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना होगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ लेकर चलना होगा ताकि दिसंबर तक आपका कंप्लीट हो सके दोनों के दोनों। इसके लिए क्या करना होगा, आपको जो मेंस आप पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा जो मेंस पढ़ रहे हैं उसी का प्रीलिम्स पढ़िए। और इसके लिए हमेशा जो है एक चीज ध्यान रखिएगा, जीएस ऑप्शनल और एक करंट अफेयर, जीएस से दो क्वेश्चन, ऑप्शनल से दो क्वेश्चन और करंट अफेयर से दो क्वेश्चन, यानी पर डे आपको 6 क्वेश्चन लिखना होगा पर डे, अपने आप में इतवार करके। अब रहा कि सुजीत सर ये तीनों का मतलब क्या, बताए नहीं, तो देखिए करंट है जो आज के डेट में, आज आप न्यूज़पेपर पढ़े, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़े, जो भी एडिटोरियल का पार्ट, जो भी चर्चा में आया उसी को आपको लिखना होगा करंट का, ज्यादा दिमाग कुछ भी नहीं लगाना होगा, कुछ भी नहीं, या फिर दृष्टि के साइट पे चले जाइए और वहां पे अच्छे अच्छे करंट अफेयर रहता, वहां से आप कोई ना कोई टॉपिक को उठाइए और दो क्वेश्चन आप लिखिए, दो क्वेश्चन आप लिखिए। दूसरा है कि जीएस वाला पार्ट, जीएस वाला पार्ट में आप जो है किसको रखना चाहते हैं, अगर कोशिश कीजिए, हद तक कोशिश कीजिए कि हिस्ट्री वाले पार्ट्स को, अगर हिस्ट्री ऑप्शन नहीं है तो हिस्ट्री वाले पार्ट से आप दो क्वेश्चन लिखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हिस्ट्री के बाद फिर ज्योग्राफी चले जाइएगा, फिर इकोनॉमी चले जाइएगा, फिर साइंस टेक चले जाइएगा, लेकिन यहां से दो क्वेश्चन आपको लिखना ही पड़ेगा। और साथ साथ में ऑप्शनल, जो भी आपका ऑप्शनल है उसके एक पार्ट को, दो पार्ट में होता है तो एक पार्ट से दो क्वेश्चन जो है पार्ट ए पार्ट बी से एक एक क्वेश्चन डेली लिखिए। ऐसे ही करना होगा अगर वाकई में 66 में फाइनल सिलेक्शन लेना, तो ऐसे ही करना होगा, बाकी जैसे आपको करने का दिल करे आप कीजिए, आप पूरी तरीके से आजाद हैं। अब इसके लिए क्या करना होगा सर, करंट के लिए मॉर्निंग के टाइम में आप न्यूज़पेपर पढ़ते ही हैं एक घंटा, वहां से ये दो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्लियर हो रहा है। अब जो प्रीलिम्स पढ़ना है वो जीएस वाला पार्ट उठा लीजिए, मान लीजिए कि आज जो है हम ज्योग्राफी में मिट्टी पढ़ रहे हैं, तो मिट्टी पढ़ने के लिए पहले जीएस वाला पार्ट कंप्लीट मेंस के रूप में पढ़ लीजिए, उसके बाद आप पढ़िएगा प्रीलिम्स के रूप में। तो जब मेंस के रूप में पढ़ रहे हैं तो यहीं से दो क्वेश्चन निकाल लीजिए और फिर यहां से प्रीलिम्स पढ़ लीजिए, तो यहां से आपका जीएस कंप्लीट हो जाएगा। और ऑप्शनल में आपको 2 घंटा देना होगा, सुबह दीजिए शाम दीजिए, ऑप्शनल का एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि किसी भी टाइम पढ़िए आपको इंटरेस्ट देगा ही देगा, आपको यहां से 2 क्वेश्चन लिखना होगा। अगर हिस्ट्री ऑप्शनल होगा तो आप मेरे नंबर पर सेंड कर दीजिए, मैं आपको चेक करके दे दूंगा, लेकिन पीडीएफ फॉर्म में रहेगा तभी चेक करूंगा, ध्यान रखिएगा। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन हाँ आप कंटिन्यू देते रहिए, हम उसको चेक कर देंगे, इतना यकीन मानिए। तो यहां से इस तरीके से कीजिएगा तभी यह संभव है, अदरवाइज संभव बिल्कुल भी नहीं है। अब यहां तक तो मैंने आपको मेंस का कहानी बताया, मेंस के बाद चलता है आपका प्रीलिम्स के लिए, यह तो मेंस की कहानी बता दी सर। अब प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना होगा, टेस्ट सीरीज या तो कोई अच्छी संस्था हो जिसको आप जानते हो वहां पे ज्वाइन करो, जहां लगे बकवास है बेकार है तो कोई बात नहीं, ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं, बहुत सारी बुक आती है वो बुक आप खरीद लीजिए,
बुक खरीद के इसका सेट मारना शुरू कर दीजिए, या फिर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसी को 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार जितने बार कर सकते हो कंटिन्यू रिवीजन करो, 92 से लेके 2019 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए सबको जो है सेट के रूप में टेस्ट सीरीज उसी को बना लो और उसी को ज्यादा से ज्यादा मारो, कम से कम 10 बार मार लो, क्योंकि यहां से आपका 40 से 50% क्वेश्चन जो है रिपीट होने वाला। यही करो ना, अगर टेस्ट सीरीज नहीं करते तो आपका प्रीलिम्स भी हो जाएगा, इधर मेंस भी हो जाएगा, और जब मेंस हो जाएगा, जब मेंस कंप्लीट हो जाएगा तो इंटरव्यू के लिए हम हैं ही आपके साथ में, उसके लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे अगर कीजिएगा तभी सक्सेस हो पाइएगा, अदरवाइज सिर्फ सोचिएगा सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ लेते हैं इससे हो जाएगा तो हो तो जाएगा प्रीलिम्स, लेकिन फिर मेंस आपको दगा देकर चला जाएगा। अब इस तरीके से अभी सिचुएशन ऐसा है, अभी कंडीशन ऐसा है कि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेके चलना होगा। आज जैसे ये वीडियो देखे पूरा, आज के बाद प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ लेके चलना, कोई इंफॉर्मेशन इधर उधर की बातों से दूर रहिए, सिर्फ मां सरस्वती पे ध्यान लगाइए और बस उसी को अटैक कीजिए, जो बदलाव होना है होने दीजिए, यहां टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यह आपके साथ नहीं पूरी दुनिया के साथ होने वाला है। जिस क्लास में आप बैठे रहिएगा, जिस फॉर्म को आप भरिएगा, उस फॉर्म में सारे स्टूडेंट के साथ में वही प्रॉब्लम होगा जो आपके साथ में होगा, तो क्या फर्क पड़ता, होने दो ना। बाकी आपकी इच्छा है, हमें जो बताना था हमने बता दिया, जो स्ट्रेटेजी अगर इस तरीके से फॉलो कीजिएगा तो आपका कंप्लीट सिलेक्शन होगा, 66 में कंप्लीट एसडीएम बन जाइएगा, 1 डिजिट में रैंक आ जाएगा अगर ऐसे पढ़िएगा तो, ये मैं वादा करता हूं आपसे, एकदम ओपन देता हूं। कभी कभी कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि सर आप सक्सेस करवा दोगे, जब इस क्वेश्चन को पूछते हैं ना तो अंदर से डर पैदा होती है, पता ना क्यों। आप स्टूडेंट हो, आप टीचर हो, जब टीचर बनोगे, भगवान ना करे कभी टीचर बनो, आप सिलेक्शन सेलेक्ट होके आप इस डीएम की चेयर पे बैठो, लेकिन जब कोई स्टूडेंट मुझसे पूछता तो अंदर से डर पैदा होती है, ये कैसा क्वेश्चन है, और बार बार मुझे डर आती है। तो मैं बड़ा सोच समझ के इसको, डर को निकालने की एक सबसे आसान रास्ता मैंने चूज कर लिया। मैं बोला मैं सिलेक्शन करवा दूंगा, मैं किसी भी स्टूडेंट को जो कहेगा वो मैं करवा दूंगा। आपको आईएएस बनना है, मैं आईएएस की तैयारी करवाता हूं, मैं आईएएस बनवा दूंगा। आपको एसडीएम बनना है, आप मेरे साथ चलो, मैं एसडीएम बनवाने की फुल गारंटी लेता हूं, जहां कहूं वहां लिख के देता हूं। आपको दरोगा बनना है, मैं गारंटी लेता हूं, मैं दरोगा बना दूंगा, 100% बनाऊंगा। लेकिन एक शर्त पर, दोनों रखते हैं कसम हाथ की, चाहे आप गीता पर रखो, कुरान पर रखो, बाइबल पर रखो, दोनों रखते हैं कि मैं जो बोलूंगा वो आपको करना पड़ेगा। अगर एक भी काम अगर नहीं किए तो फिर मेरी गारंटी खत्म, और जो मैं बोलूंगा अगर आपने वो किया तो 100% सिलेक्शन है, और ये भी मैं गारंटी लेता हूं। ऐसा संभव ही नहीं है, लो दो स्टूडेंट को, संभव ही नहीं है। मेहनत करना कहां चाहता, सिलेक्शन सबको चाहिए, सक्सेस सबको चाहिए, मेहनत करना कौन चाहता। यही कंडीशन होता है जब आप पूछते हो ना किसी टीचर से कि सर सेलेक्ट करवा दीजिएगा, अरे टीचर तो आसानी से करवा देगा, लेकिन जो टीचर कह रहा है वो आप फॉलो करो तो, एक बार करके तो देखो। आपको कौन सी संस्था में लाखों बहाने हैं जी, आप किसी गांव में, उत्तर प्रदेश के किसी गांव में, मध्य प्रदेश के किसी गांव में, छत्तीसगढ़ के किसी गांव में, झारखंड के किसी गांव में, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो ना तो वहीं से सिलेक्शन हो जाएगा। सच्ची बताता हूं, दिल पे हाथ रखे कहना हो, कर भी है लेकिन दिल की बात है, वहीं से सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपको मुखर्जी नगर प्रयागराज जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई लाखों रुपया बहाने की जरूरत नहीं है, जहां हो जो बोल रहा हूं वो करके देखो, आपका सिलेक्शन 100% है। आयोग खुद ही बोल रहा है कि अब जो है कोचिंग को तमाशा बंद कर दो, वो बार बार कोचिंग को हटाने के लिए सब कुछ बदलाव कर दिया, लेकिन अलग बात है आपने कोचिंग को एक प्रथा बना दिया, बिना कोचिंग गए हुए सिलेक्शन नहीं होगा, तो नहीं है। हम भी कोचिंग खोले हुए, आओ कोचिंग, पैसा दो, बैठो, उससे मेरा क्या जा रहा है, आपको आना ही है। तो सही बात यह है कि आप कहीं भी हैं, किसी भी छोटे से गांव में, छोटे से शहरों में, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आप सेलेक्ट हो जाइएगा, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। बस जितनी बातें कहता हूं उतनी बातें कीजिए, हमारे साथ चलिए, आपका सिलेक्शन आपके हाथों में है, आपका सक्सेस आपकी बाहों में है। एक बार कोशिश तो करके देखिए, सक्सेस इतनी बड़ी नहीं हुई है जो कि आपसे बड़ी हो जाए। प्रॉब्लम क्या होता है ना, आप उसे बड़ा बनाकर रख देते हो और खुद को छोटा बना लेते हो, इसीलिए सक्सेस के पीछे दीवानगी पैदा करते हो और जिंदगी भर पैदा हो जाती है, लेकिन सक्सेस आपको गले कभी नहीं लगाती है। लेकिन जिस दिन सक्सेस से ऊपर खुद को रखोगे, यकीन मानो सक्सेस लौट के आके आपको गले लगा लेगी। यही सच है दुनिया का, मानना है मानो, नहीं मानना ना मानो, मेरा क्या, मेरा तो वक्त गया, आपका
अब शुरू होता। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको आज के बाद पढ़ना शुरू कर देना होगा, तभी आपका सिलेक्शन कंप्लीटली पैकेज के रूप में फर्स्ट डिजिट के साथ में एसडीएम बन पाइएगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और हां इसकी कौन सी बात आपको अच्छी लगी प्लीज जरूर कमेंट किया कीजिए, सारे लोग कमेंट किया कीजिए, क्योंकि हमारी मेहनत का परिणाम आपकी कमेंट ही होता है। हां रिप्लाई देने में थोड़ा देर हो जाता लेकिन देखता सबका कमेंट हूं मैं, और हो सके तो इस वीडियो को जितने सारे ग्रुप हैं सब में शेयर कीजिए। जैसे आपकी जिंदगी आज आसान हो गई, आपको लग गया सही में सक्सेस करना आसान है, खामखा लोगों ने इसे भारी बनाकर रख दिया है, सही में एसडीएम बनना बच्चों का खेल है, लोगों ने इसे पागल बनाकर रख दिया है, एसडीएम है ये है वो है, अभी कुछ नहीं है, एक बार दिल से पढ़ो तो आसानी से सिलेक्शन हो सकता है, और कुछ नहीं है, हमारी और आपकी तरह लोग एसडीएम बन रहे हैं, किसी कुत्ते किसी बिल्ली किसी हाथी को देखे बनते हुए नहीं, हमारी और आपकी तरह बनते हैं, बस सत्य क्या है सही तरीके से सही गाइडलाइन के साथ में वो आगे बढ़ते हैं और सक्सेस कर लेते हैं, और आप सही तरीके से नहीं बढ़ते, सही कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं होता और आप पीछे रह जाते हैं। लेकिन अब आज के बाद अभी के बाद मैं आपके साथ में हूं, बस आप साथ में जुड़िए साथ में चलिए, सिलेक्शन होगा ये फुल गारंटी है। थैंक यू, नमस्कार।